जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में हालांकि नाम सिर्फ एक ही है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोकरनाग विधानसभा सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट बीजेपी ने दिया है। और इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे वापस ले लिया और कहा गया कि जल्द ही नई सूची जारी की जाएगी जिसमें कुछ बदलाव होंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही नई सूची जारी की गई जिसमें बदलाव ना के बराबर थे। हालांकि इसमें 44 की जगह सिर्फ 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। कुछ घंटे बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची आई जिसमें सिर्फ एक नाम है। बीजेपी अब तक कुल 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर के बवाल किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि वो सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानी का समाधान करेंगे। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में समझौता होने के बावजूद कई सीटों पर पेच अभी भी फंसा है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस नेता फारूख अब्दुल्ला के आवास पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए पहुंचे और दोनों सियासी दल के नेताओं के बीच बैठक हुई। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान से बातचीत का प्रयास किया जाएगा। अब इसी पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब मैनिफेस्टो जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बात की गई, दूसरी बात थी उसमें पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, पाकिस्तान और भारत के बीच इसका प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करेंगे, पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई की चर्चा भी इस घोषणा पत्र में हुई है, साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई यानी कि फ्रीबीज की बात कही गई, गरीब महिलाओं को 5,000 हर महीने देने का ऐलान किया, 1,00,000 नौकरियां देंगे ये भी एनसी की तरफ से कहा गया, गरीब परिवारों को उस साल में 12% सिलेंडर दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, कश्मीरी पंडितों की वापसी, महिलाओं को यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री शिक्षा, सभी पुरुषों को कॉलेज लेवल तक फ्री शिक्षा दी जाएगी, इन तमाम बातों का जिक्र एनसी के मैनिफेस्टो में है। वहीं पीडीपी का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बात की गई, पाकिस्तान के बीच बातचीत का प्रयास करेंगे ये कहा गया, यूएपीए अफ्सपा पीएसए खत्म करेंगे, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, पानी पर टैक्स खत्म करेंगे, गरीबों को साल में 12 सिलेंडर दिया जाएगा, साथ ही विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की भी बात पीडीपी के इस मैनिफेस्टो में की गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, अब से पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर हमने चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि पीडीपी उन्हें कॉपी कर रही है और यही सबसे बड़ी बात होती है किसी के भी सही सिद्ध होने की या फिर कह सकते हैं कि उसके बारे में चर्चा बढ़ाने की। अब ऐसे में पीडीपी में और एनसी में एक चीज बड़ा कॉमन है, 370 और 35A की बहाली। बीजेपी के साथ पीडीपी पहले सरकार बना चुकी है लेकिन बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या 370 और 35A के मुद्दे को लेकर के वहां की जो जनता है उनके साथ इस पर विचार विमर्श कर रही है ताकि जो वोट बैंक की राजनीति है वो अच्छी तरीके से की जा सके? 370 और 35A के साथ साथ पीडीपी और एनसी के अंदर एक और चीज कॉमन है, वो है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जिस तरह से मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की गई हैं, जो मुफ्त चीजें देना या जिसे बोलते हैं कि एक सरकार का काम नहीं, आप किसी को सिर्फ, आपने देखा होगा एक बहुत लंबी चर्चा पहले भी छिड़ी है फ्रीबीज को लेकर, तो जिस तरीके से पूरी घोषणा हुई है, सवाल ये उठता है कि यही एनसी सरकार में रह चुकी है, यही पीडीपी भी सरकार में रह चुकी है, और अब ये जनता तय करेगी कि क्या पाकिस्तान से हमें वाकई बातचीत रखनी है, क्या हमें अब 370 या 35A जैसी चीजों को हटाकर वापस से बच्चों के हाथ में पत्थर देने, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि जनता इनको सत्ता में लेकर आए और किस बात पे लेकर आए कि वो 370 हटा देंगे और 370 की बहाली हो जाएगी और 35A जो पहले जैसी स्थिति थी उनको लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से नौकरी को लेकर, जिस तरीके से और तमाम बातें की हैं, यहाँ तक कि जो राजनीतिक इन तमाम चीजों को लेकर जेल में हैं वो कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा, इस तमाम तरीके की बातें इसमें कही गई हैं।
तो सीधा सीधा जैसे बोलते हैं लुभाने की कोशिश वो यहाँ पर की जा रही है। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को किस तरीके से देखना चाहते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ये पूरी कमान सौंपना चाहते हैं, आगे भविष्य सौंपना चाहते हैं।